वापस नहीं करेंगे तो गद्दी वापस करेंगे। आज मैं जिस लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिसका नाम अंगद और उम्र 9 साल, सूबे पंजाब कस्बा फिरोजपुर का रहने वाला है। किसान आंदोलन में 9 साल का अंगद अपने भाषण और हाजिर जवाबी की वजह से खूब चर्चा में है और सबका चहेता बन गया है। कृषि कानून MSP पर मजे हुए किसान नेता की तरह बोलने वाला अंगद प्रधानमंत्री बनना चाहता है और प्रधानमंत्री मोदी से मिलना भी चाहता है। मेरा नाम अंगद सिंह है, मैं भरतपुर राजस्थान से। जो किसान आंदोलन है, ये 3 काले कानून है उनको रद्द करवाने के लिए है और MSP की गारंटी के लिए। 7 महीने से अपने पिताश्री के साथ यात्रा करी, 1,00,000 किलोमीटर हम चले। सुजानगढ़ में हमने BJP का विरोध करा था, काले झंडे दिखाए थे। हम 1,00,000 किलोमीटर चल रहे हैं। हमने पहले महीने से ही यात्रा शुरू करी थी और हम पूरे में हर बॉर्डर पे गए हैं। ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जिस पे हम गए ना हो। सोशल मीडिया पर आए दिन बच्चों के अनेकों वीडियो वायरल होते रहते हैं। बच्चों को नादान समझने वालों को कई बार अपनी भूल का एहसास होता है, क्योंकि कई बार ये नन्हे उस्ताद अपनी बातों और तर्कों से बड़े बड़ों का मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे ही एक छोटे नेता का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अंगद सिंह नाम का ये बच्चा कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के साथ मिलकर विरोध कर रहा है। आइए जरा दोबारा सुनते हैं। गांव-गांव में गए, किसानों को पता नहीं था इसके बारे में, तो उनको बताया। तो फिर जिनको पता था उन्होंने कहा हम आपके साथ जरूर हैं, हम BJP को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी को भी दे देंगे पर BJP को वोट नहीं देंगे। BJP तुम्हें अच्छी नहीं लगती या तुम्हारे घर वालों को अच्छी नहीं लगती? देखिए, पूरे किसानों को ही लगती। 2024 के बाद जो आएगा ना, मैं आपको समझाता हूँ, जो 2024 के बाद आएगा उसको अगली बार भी अपनी लानी है सरकार। तो वो अगर ये बात सही नहीं करेगा तो हम इसकी गद्दी तो ले ही लेंगे एक बार, और फिर जो आएगा ना फिर उसको तो अपनी अगली बार भी सरकार लानी है, तो उसको ये तो करना ही पड़ेगा। भारत में अभी ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं बचा है जिस पर भरोसा किया जा सके। हाँ, सही बात है आपकी, नहीं बचा, कोई नहीं बचा। आपने सुना, अंगद किसानों के मुद्दे पर शांत बैठना नहीं चाहता है और उनकी ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले ताकि किसानों के मसले पर कोई हल निकल सके। इतना ही नहीं, इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, वहीं अंगद ने प्रधानमंत्री बनने की ठान ली है। इस वीडियो में अंगद का प्रधानमंत्री बनने की सोच आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सोशल न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।